सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम अपना बचा हुआ एक्सरसाइज, बचा हुआ अभ्यास करेंगे। तो हम चतुर्थ पाठ विद्यालय का अभ्यास वाला जो भाग है उसको कर रहे हैं। हमने अपने पाठ के 3 प्रश्न कर लिए हैं, और उससे पहले हमने उन प्रश्नों को करने के लिए जो आवश्यक क्रिया शब्द के साथ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा यह जाना था और समझा था। तो आप लोग आज भी पहले थोड़ा सा उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे और कुछ एक नई जानकारी लेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले प्रश्नों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप उन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से कर सकेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको जो आपको पढ़ना होता है उसके पढ़ने से पहले एक सामान्य चीज़ें जो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप जब उन्हें जान लेते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाती हैं। इसीलिए आज भी हम थोड़ा सा एक क्रिया के जानने से, एक वर्ब को समझने से हम और उसी के तरह ही, उसके ही समान बाकी वर्ब को, बाकी क्रिया रूप को कैसे बना सकते हैं। जैसे आपने क्या है, कल हमने पठती क्रिया को पढ़ा था और पठती क्रिया का अर्थ क्या होता है ये हमने जाना था। तो पठती का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ता है। अगर आपने देखा कि आपके प्रश्नों में क्या हुआ, कई जगह पठती की जगह क्रीडति आ गया, क्रीडसी आ गया, नृत्यति आ गया, नृत्यसी आ गया, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके तरह ही एक क्रिया को समझने से उसकी तरह ही और क्रिया कैसे बनती हैं इसको हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, जिससे आपको किसी भी क्रिया रूप का प्रयोग करने में कोई भी कठिनता नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा है एक क्रिया अर्थात वर्ब से दूसरा क्रिया रूप कैसे बनाएं। तो आपको पता है जो क्रिया रूप होता है, जो धातु, क्रिया को संस्कृत में धातु भी कहते हैं, इसीलिए उसको धातु रूप भी कहते हैं। इसीलिए जो हमारा संस्कृत में धातु रूप होता है वो 3 वचनों में होता है, और जो शब्द रूप मतलब छात्रः, छात्रहु, छात्राः, बालकः, बालकौ, बालकाः, जो हमने ये रूप पढ़े थे वे भी 3 वचनों में ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार से इनमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपने पढ़ा था कि पठति एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन, पठसि एक वचन, पठतः द्विवचन, पठतः बहुवचन, पठामि एक वचन, पठावः द्विवचन, पठामः बहुवचन। फिर उनके साथ कौन से शब्दों का प्रयोग होगा तो उसको हमने कल पढ़ा था। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए उसको पास में ही ब्रैकेट में लिख दिया है। जैसे पठति, तो पठति क्रिया के साथ सबसे पहले पठति, तो पठति क्रिया के साथ सहा और सा इसका प्रयोग होगा, ये आपने कल पढ़ा था। पठतौ के साथ जो पठता क्रिया है उसके साथ तौ और ते का प्रयोग होगा, पठंती के साथ ते और ता का प्रयोग होगा। तो सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। तो ये प्रश्न आपको पिछली कक्षा में भी कराए गए हैं, इसलिए फिर से आप एक बार अच्छे से समझ लो कि सः के साथ पठति, तौ के साथ पठतः और ते के साथ पठन्ति। अर्थात एक वचन में सहा के साथ पठती का प्रयोग होगा, क्योंकि सहा भी एक वचन है और पठती भी एक वचन है। द्विवचन में तो तौ भी द्विवचन है और पठतः भी द्विवचन है।
और बहुवचन में पठंती भी बहुवचन है और ते और तः भी क्या है, बहुवचन है। उसी प्रकार से फिर आपने पढ़ा था कि त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। तो त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। तो उसी प्रकार से पठसि एक वचन, पठतः द्विवचन, पठतः बहुवचन। तो पठसी के साथ त्वम का प्रयोग, पठता के साथ युवाम का प्रयोग, पठथा के साथ यूयम का प्रयोग। उसके बाद आपने पढ़ा था अहम एक वचन, अहम का द्विवचन क्या था, आवाम था, और अहम का बहुवचन वयम। तो अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, और वयम अर्थात हम सब। तो पठामी अहम के साथ किसका प्रयोग होगा, पठामी का अहम के साथ, पठावा का आवाम के साथ, और पठामा का वयम के साथ। अब आपने इसको समझ लिया कि किसके साथ किसका प्रयोग होगा, कौन सा शब्द किस क्रिया के साथ किस वर्ब के साथ यूज होगा, ये आपने जान लिया। क्योंकि आप अगर इन सब चीज़ों को एक बार सोचें, तो मैंने आपको सबसे पहले पाठ में पढ़ाया था कि त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। आप हिंदी में सोचो कि हिंदी में तुम और तुम का बहुवचन तुम सब, और उसका दो द्विवचन तुम दोनों। ऐसे ही मैं एक वचन और हम सब बहुवचन, और द्विवचन में क्या होगा, हम दोनों। तो उसी प्रकार से बहुत सामान्य तरीके से तुमको क्या कहते, तू को क्या कहते हैं संस्कृत में, त्वम तुम दोनों, युवाम तुम सब यूयम, मैं को अहम, हम दोनों आवाम, और हम सब वयम। कोई कठिन नहीं है। उसी के साथ त्वम के साथ पठसी का, युवाम के साथ पठथा का, यूयम के साथ पठथा का प्रयोग होगा, अहम के साथ पठामी का, आवाम के साथ पठावः, और वयम के साथ पठामः। तो ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, और आपको फिर से एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया। किंतु आज जो हमारा मेन लक्ष्य है वो क्या था कि पठती के जगह पर अगर खादती आ जाए, अगर धावती आ जाए, अगर गच्छती आ जाए, तो आप कन्फ्यूजन ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम अब क्या करें। उसके लिए क्या है कि सामा जैसे पठ क्रिया है, ऐसे ही औरों का भी रूप ऐसे ही बनता चला जाएगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। कैसे होगा, तो देखो मैंने क्या किया है बच्चों, आपको पठती के नीचे पठ प्लस अति, पठता पठता के नीचे पठ प्लस अतः, पठंती के नीचे पठ प्लस अंति, ऐसे ही पठसी के नीचे पठ प्लस असी, पठता के नीचे पठ प्लस अथः, और पठथा के नीचे पठ प्लस अथः, पठामी के नीचे पठ प्लस आमी, पठावा के नीचे पठ प्लस आवाह, पठामा के नीचे पठ प्लस आमाह। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो पठती बन रहा है वो दो शब्द हैं, उसमें देखो दो शब्द ऐड हो रहे हैं, दो शब्द जुड़ रहे हैं, तो वो शब्द बना पठ प्लस अति पठती, पठ प्लस अतः पठतः, पठ प्लस अंति पठन्ति, पठ प्लस असि पठसि, पठ प्लस अतः पठतः, पठ प्लस अथ पठथ, पठ प्लस आमी पठामी, पठ प्लस आवह पठावह, पठ प्लस आमह पठामह। तो हमें कुछ नहीं करना है, अति ही अतः अंति, असि अथ आमी आवह आमा, उनको बिल्कुल वैसे ही रखना है। क्या कर देना है, पठ की जगह पर धाव को लगा देना है। और हम जब धाव को लगा देंगे बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे के ही वैसे रूप बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, देखो धाव प्लस अति धावती,
धाव प्लस अतः धावतः, धाव प्लस अन्ति धावन्ति, धाव प्लस असि धावसि, धाव प्लस अथः धावतः, धाव प्लस अथः धावतः, धाव प्लस आमि धावामि, धाव प्लस आवः धावावः, धाव प्लस आमः धावामः। तो कुछ भी नहीं परेशानी है, केवल आपको बाद वाले शब्द को ऐसे ही रखना है, जो पहला शब्द है उसको बदल देंगे। अब हमें समझ में आ गया। अब आप आराम से अपनी तरफ से भी धाव की जगह पर धाव मतलब होता है, धावती मतलब होता है दौड़ना। आप क्या कर सकते हैं कि खाद का प्रयोग कर सकते हैं। खाद मतलब होता है खाना, तो खाता है या खा रहा है, तो वह खा रहा है। आप जानते हो कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, सः, और खा रहा है खादति। तो सः भी एक वचन है और खादति भी एक वचन है, तो सः खाद प्लस अति खादति। ऐसे ही आप धाव की जगह पर और खाद को रख दो, बस आपको कुछ नहीं करना है। कहाँ पर जैसे धाव है, यहाँ पर खाद रख दिया, तो खाद प्लस अति खादति, खाद प्लस अतः खादतः, खाद प्लस अंति खादंती, खाद प्लस असी खादसी, खाद प्लस अथः खादथ, खाद प्लस अथः खादथ, खाद प्लस आमी खादामी, खाद प्लस आवः खादावः, खाद प्लस आमः खादामः। इस प्रकार से कोई भी वर्ब को रख करके उसके रूप आप आसानी से बना सकते हो। तो मुझे लगता है ये आपको सामान्य सा समझ में आ गया होगा, और आपको आगे इनके प्रयोग में, इनके अर्थ को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इनका प्रयोग वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया था। धावती एक वचन है, तो एक वचन में सहा का प्रयोग होता है, तो सहा का प्रयोग हो जाएगा। धावतः द्विवचन है, तो तौ का प्रयोग होता है, तो तौ का प्रयोग होगा। धावंती बहुवचन है, तो ते का प्रयोग हो जाएगा। फिर धावसी त्वम के साथ प्रयोग होता है, ये आप जानते हो, तो त्वम एक वचन है, धावसी भी एक वचन है, तो त्वम धावसी बन जाएगा। धावतः त्वम का द्विवचन क्या होता है, युवाम, तो धावथा के साथ युवाम का प्रयोग होगा। त्वम का बहुवचन क्या होता है, यूयम, तो धावथा के साथ बहुवचन यूयम का प्रयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद अहम वाला आ जाता है। अहम अर्थात मैं, तो अहम एक वचन है और धावामी भी एक वचन है, तो धावामी। ऐसे ही धावावा, अहम का द्विवचन क्या होगा, आवाम, और आवाम के साथ धावावाह का प्रयोग होगा। और अहम का बहुवचन क्या है, वयम, तो वयम के साथ धावामाह का प्रयोग होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने किसके साथ किसका प्रयोग होगा और कैसे हमें एक क्रिया रूप से दूसरा क्रिया रूप आसानी से बना लेना है, इसको समझ लिया। अब हम आगे अपने जो बचे हुए प्रश्न हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमने तीन प्रश्न कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत सरल है, जो आपने अभी पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही हमें उसको कर देना है। तो क्रिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको पहले हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको प्रश्न समझना है। संस्कृत में प्रश्न आता है, संस्कृत में ही प्रश्न लिखा हुआ होता है, तो आपको संस्कृत के प्रश्न को समझना है कि संस्कृत का प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयता। क्रियापदैहि, क्रिया पदों के द्वारा, क्रिया पदों के द्वारा वाक्यानि वाक्यों की पूरयता पूर्ति करो। क्रियापद जो आपने अभी पढ़े हैं, धावती गच्छति क्रीडति खादति, इनको क्रिया रूप, क्रियापद, क्रियाशब्द, धातु रूप, धातु शब्द, ये सब बोला जाता है। तो उन्हीं क्रियापदों अर्थात वर्ब के द्वारा वाक्यानि वाक्यों की पूर्णता पूर्ति करो।
अर्थात जो हमारे आधे आधे वाक्य दिए गए हैं उनके साथ सही क्रियापद, सही वर्ब को रखकर उस वाक्य को पूरा करो। तो जैसे यथा, आपको पता है कि ये समझाने के लिए सबसे पहले उदाहरण में यथा, यथा मतलब जैसे, क्या अहम पठामि, जैसे अहम शब्द है और क्रियापद क्या है, इसमें क्रियारूप क्या है, पठामि। तो अहम शब्द के साथ पठामि क्रिया, पठामि वर्व, पठामि धातु रूप लगा तो अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा वाक्य पूरा बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपको अब क्या करना है, अपना प्रश्न जैसे उन्होंने यथा में समझाया है वैसे ही आगे पूरा करना है। का त्वम, अब ऊपर आपको देखना है कौन सा शब्द त्वम के साथ, कौन सा क्रियापद त्वम के साथ जुड़ेगा जिससे हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक एक को करके चुनते हैं, हम सबसे पहले एक एक को इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें, अगर हम वैसे के वैसे ही समझ के लिख देंगे उससे ही शब्द को मैं आपको बता दूंगा तो आप क्या करोगे, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओ। इसलिए हमें क्या करना है, एक एक शब्द को पहले समझना है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्योंकि कौन सा सही, जो सही होगा वो तो वही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, त्वम, त्वम के साथ हमें सबसे पहले देखना है कि क्या गच्छावा का प्रयोग हो सकता है क्या, क्यों गच्छावा का प्रयोग त्वम के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं हो सकता कि गच्छावा जो है वो द्विवचन का है। आपने देखा पहले ऊपर देखा था गच्छामि, जैसे धावामि, जैसे पठामि, एक वचन, गच्छावा धावावा पठावा द्विवचन, और त्वम क्या है, तुम अर्थात एक वचन है। तो त्वम के साथ किसका प्रयोग होगा, ना क्रीडथा का प्रयोग होता है त्वम के साथ, ना लिखामी का प्रयोग होता है, ना पश्यथा का प्रयोग होता है, ना धावामा का होता है, तो किसका होता है, त्वम के साथ हमेशा पठसी का प्रयोग होता है। इसीलिए त्वम के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, पठसी, अर्थात यहाँ पर पठसी का प्रयोग हो जाएगा। तो त्वम पठसी अर्थात तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ते हो। खा आवाम, तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आवाम, पहले हमें समझना है आवाम का अर्थ क्या है। तो आवाम का अर्थ क्या है, आवाम अर्थात हम दोनों, हम दोनों अर्थात ये द्विवचन का है, और आवाम किसका द्विवचन है, अहम का द्विवचन है। तो अहम आवाम वयम, तो अहम के साथ पठामी का प्रयोग हुआ था, आवाम के साथ पठावाह और वयम के साथ पठामाह। तो आप देखो इसमें आवाम के साथ पठसी का प्रयोग नहीं हो सकता है, आवाम के साथ गच्छावा धावामाह का प्रयोग नहीं हो सकता है, आवाम के साथ क्रीडथा का प्रयोग नहीं हो सकता है, लिखामी का नहीं हो सकता है, पश्यथा का नहीं हो सकता है, क्योंकि आवाम के साथ हमेशा गच्छावह का ही प्रयोग होता है। तो आवाम गच्छावह, देखो बच्चों वही शब्द बार बार उन्हीं, पहले या तो वो क्रिया दे दे रहे हैं उसके साथ वो शब्द जिसका प्रयोग होता है वो दे दे रहे हैं, या फिर वो शब्द सर्वनाम शब्द दे रहे हैं और उसके बाद वो उसके साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, किस वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, ये दे दे रहे हैं। इसीलिए हमें जो ऊपर मैंने आपको समझाया है उसको अच्छे से समझकर लिख लेना है, जिससे आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी, आपको वो चार्ट समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। फिर गा यूएम, यूएम के साथ किसका प्रयोग होगा ये हमें देखना है। तो बच्चों यूएम में क्या है, बहुवचन है, यूएम मतलब तुम सब, और यूएम किसका बहुवचन है, यूएम त्वम का बहुवचन है, त्वम मतलब तू, युवाम मतलब तुम दोनों, यूएम मतलब तुम सब। तो उसमें किसका प्रयोग होता है, आप ऊपर चार्ट में देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको अपने आप ही बता दे रहा हूँ कि यूएम, यूएम में पठसी का प्रयोग नहीं हो सकता, इसका प्रयोग हो चुका है, हमने त्वम के साथ कर लिया।
धावामः का प्रयोग नहीं हो सकता है, गच्छावः का प्रयोग हो गया है, हमने आवाम के साथ कर लिया, क्रीडथा का भी नहीं हो सकता है, लिखामी का भी नहीं हो सकता है क्योंकि लिखामी के साथ अहम का प्रयोग होता है, तो अंतिम में क्या बचा, पश्यथा, पश्यथा का प्रयोग ही यूएम के साथ, अर्थात अथा का लास्ट में जब अथा होता है उसी क्रिया वचन का प्रयोग यूएम के साथ होगा, तो यूएम पश्यथा। आगे घा, घा में अहम, अहम के साथ किसका प्रयोग होगा, तो अहम के साथ, अब आपको जल्दी जल्दी से समझ के लिखना है, पठसी का प्रयोग हो चुका है, धावामः का प्रयोग भी अभी नहीं हुआ है किंतु यहाँ भी नहीं हो सकता है, गच्छावः का प्रयोग हमने कर लिया है, क्रीडथा का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, लिखामी का प्रयोग भी यहाँ पर, लिखामी का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है क्योंकि आगे बचा पश्यथा, पश्यथा का प्रयोग हमने कर लिया है, तो अहम के साथ लिखामी, पठामी, बदामी, हसामी, इन्हीं सब का प्रयोग होता है, अर्थात जिसके लास्ट में आमी आता है उसी के साथ अहम का प्रयोग होता है, अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, मैं लिखती हूँ। फिर युवाम, युवाम, युवाम अर्थात तुम दोनों, तो युवाम के साथ किसका प्रयोग होगा, अब दो शब्द बचे हैं और दो ही ऊपर क्रियापद बचे हैं, कौन कौन से क्रियापद बचे हैं ऊपर बच्चों, दो क्रियापद बचे हैं, एक तो हमारा जो बचा है वो धावामः बचा है और दूसरा क्रीडथा बचा है, तो इन दो क्रियापदों में से एक का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, तो किसका करेंगे, आपको पता है युवाम के साथ क्या होता है, क्रीडथा का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर क्रीडथा का प्रयोग कर लेंगे, तो युवाम क्रीडथा अर्थात तुम दोनों खेलते हो। फिर अंतिम में एक बचा है और शब्द एक बचा है, क्रियापद भी एक ही बचा है, उसको जोड़ लेंगे, कौन सा, धावामः अर्थात, धावामः अर्थात दौड़ रहे हैं तो या दौड़ते हैं, तो वयम, वयम का तुम्हें पता है अहम आवाम, वयम अहम मैं आवाम हम दोनों, वयम हम सब, धावामः दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं या दौड़ रही हैं, तो वयम धावामः। तो इस प्रकार से आपको बार बार उन्हीं का अभ्यास कराया जा रहा है कि किस शब्द के साथ किस वचन के क्रियापद का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए आप बार बार उसको प्रैक्टिस में लाओ और आपको उसको अच्छे से समझ के लिखना है। तो इस प्रश्न को हम अच्छे से इसको देखकर लिख सकते हैं, तो आपने जब ऊपर समझ लिया है, समझने के बाद उसके जो आंसर हैं आप यहाँ पर रोक करके अपनी कॉपी में, अपनी जो आपकी पुस्तिका है उसमें आराम से लिख सकते हैं कि किस शब्द के साथ हमने किसका प्रयोग किया था। तो अहम पठामि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तुम पठसि तुम पढ़ रहे हो या तू पढ़ रही है, आवाम गच्छावः हम दोनों जा रहे हैं या हम दोनों जा रही हैं, यूयम पश्यथ तुम सब देख रहे हो या तुम सब देख रही हो, अहम लिखामि मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ, युवाम क्रीडथ तुम दोनों खेल रहे हो या तुम दोनों खेल रही हो, वयम धावामः हम सब दौड़ रहे हैं या फिर हम सब दौड़ रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 अत्यंत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि मैंने जब भी आपको पाठ पढ़ाया, इन सभी शब्दों के अर्थ को आपको समझा दिया था। सभी शब्दों के अर्थ आपको आते हैं। कई बार अभी भी मैंने हर बार आपको इन शब्दों के अर्थ को समझाया है, बताया है। तो आपको उन शब्दों को केवल रखना है और आसानी से आपका वाक्य बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, उचित पदई ही, उचित पदों के द्वारा, सही पदों के द्वारा, जो बॉक्स बना है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से उचित पदई ही, उचित शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माणम कुरुता, वाक्य का निर्माण करो। यथा, अब जैसे इन्होंने फिर जैसे बताते हैं वैसे बताया, एषा मम पुस्तिका। तो आपको क्या है, मम को ले लिया गया है और आपको बता दिया है कि जैसे यहाँ पर मम लिया है ऐसे ही आपको यहाँ पर लेके आना है। तो यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। तो एषा, आगे अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, का एतत् गृहम्, एतत् अर्थात यह गृहम् घर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको एक शब्द ढूंढ के रखना है। क्या यहाँ पर एक वचन है गृहम्, तो आपको एक वचन वाला ही शब्द लाना है। तो यहाँ पर क्या है, घर है, तो यहाँ पर मम शब्द आएगा। तो एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। खा मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। ओहो, मैत्री दृढ़ा का अर्थ होता है दोस्ती, मैत्री अर्थात दोस्ती, मित्रता, दृढ़ा मतलब गहरी, दृढ़, बहुत एकदम राम लखन वाली जोड़ी है जो नहीं टूटेगी। तो यहाँ पर जो दोस्ती होती है बच्चों, वो दो लोगों में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आएगा आवयो हो। क्या आएगा यहाँ पर, आवयो हो। तो आवयो हो मैत्री दृढ़। आगे गा एषः विद्यालयः, एषः अर्थात यह विद्यालयः अर्थात विद्यालय। तो अब क्या है, आपको यहाँ पर एषः अर्थात यह विद्यालय अर्थात विद्यालय, तो यहाँ पर आएगा तब। क्या आएगा, तब अर्थात तुम्हारा। तो एषः तब विद्यालयः। आगे घा एषा अध्यापिका, तो यहाँ पर क्या आएगा, युवयोः, युवयोः अर्थात तुम दोनों की। तो एषा युवयोः अध्यापिका। भारतम देशः, तो भारत देश है। अब दो शब्द बचे हैं, तो भारत हमारा देश है, यही होना चाहिए। तो हमारे को क्या कहते हैं, अस्माकम्। तो भारतम अस्माकम् देशः। फिर अंतिम बचा चा, और एक ही शब्द बचा है हमारे पास, युष्माकम्। तो एतानि युष्माकम् पुस्तकानि, तो यहाँ पर पुस्तकानि आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। और आप इसको देख करके अच्छे से जो समझ में नहीं आया है उसको भी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है, आवयो हो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की जो दोस्ती है बहुत दृढ़ है, बहुत गहरी है, एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है, एषा युवयो हो अध्यापिका, एषा यह तुम दोनों की शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, टीचर हैं। भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं, और
बाकी के जो प्रश्न बचे हैं उसको अगली कक्षा में करेंगे। तो आपने आज जो पढ़ा है, जो सबसे ऊपर सबसे पहले चार्ट देखा था, इस चार्ट को आपको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, फिर से समझ लेना चाहिए और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख करके इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इनका प्रयोग अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं और अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।